Asslam Alaikum YouTube family, this is Engineer Imtiaz and you are watching my YouTube channel The Experts Solution. Ek aur video ke saath main aap logon ki khidmat mein hazir hoon. Umeed karta hoon ki aap sab log khair khairiyat se honge. Ji viewers, aaj jis solar inverter ko hum discuss karne lage hain, ye bhi Growatt.pk Ziewnic ke naam se jo apni product ko introduce karwa rahe hain, unka ye 2022 ka models hai. Unhone 2022 ke in December तकरीबन कुछ 6 मॉडल्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं जो कि मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों को जिसमें जो यूकॉन सीरीज है 4 किलोवाट एंड 6 किलोवाट और इसके अलावा जो एम सीरीज है एम सीरीज में एक 1.5 किलोवाट 3 किलोवाट और उसके अलावा 4 किलोवाट एंड 6 किलोवाट तो ये 6 मॉडल्स जो हैं ये न्यूली लॉन्च हुए हैं Ziewnic ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं लेकिन आज हम जिस सोलर इन्वर्टर को जिस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे वो है एम सीरीज 4 किलोवाट इसके तमाम तर जो फीचर्स हैं स्पेसिफिकेशंस हैं इसके साथ सोलर कैपेसिटी कितनी है सोलर चार्ज कंट्रोलर कितना है विद बैटरी वर्क करेगा विदाउट बैटरी वर्क करेगा इसके साथ मैक्सिमम साइज के कौन से पैनल्स आप लोग अटैच कर सकते हैं कितनी अमाउंट तक के पैनल्स आप लोग अटैच कर सकते हैं आया कि इतनी अमाउंट तक के सोलर पैनल अटैच करने के बाद इसकी एफिशिएंसी कैसी होगी सोलर से जनरेशन कितनी देगा आप लोगों को और इसके अलावा मैक्सिमम पे आप लोग इसके साथ कौन-कौन से अप्लायंसेस जो हैं वो चला सकते हैं क्योंकि ये 2022 का मॉडल है तो इसकी तमाम तर जो स्पेसिफिकेशंस हैं तमाम तर जो प्रोडक्ट की फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों को आज जो है इस वीडियो में बताऊंगा और एट द एंड जो है इसकी मैं आप लोगों को जो एक एक्सपेक्टेड या एक कंफर्म प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी प्राइस जो है नाउअडेज इतनी है तो आप लोग मार्केट से या आप लोग मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा व्यूअर्स तो जी व्यूअर्स ये है 2022 का मॉडल इसमें जो आप लोगों को टॉप पे नजर आ रहा होगा वो ये है कि इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 120 एम्पीयर के साथ है दिस इज हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स मींस के ये विद बैटरी भी वर्क करेगा और इसके अलावा विदाउट बैटरी भी वर्क करेगा और इसकी सबसे अच्छी जो मेन हाइलाइटिंग फीचर्स में हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान सपोर्टेड 600 वॉट्स सोलर पैनल्स प्लस सोलर पैनल्स मतलब कि 600 वॉट्स से मतलब कि थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा या 600 वॉट्स तक के सोलर पैनल्स जो हैं आप लोग बासानी इसके साथ अटैच कर सकते हैं दिस इज़ 100% प्योर sinewave इन्वर्टर है पावर फैक्टर 1 है उसके अलावा ऑप्शनल इसके साथ वाईफाई मतलब कि अवेलेबल होगी अगर आप लोग इसके साथ एंड्रॉयड डिवाइसेस पे देखना चाहते हैं इन्वर्टर रनिंग विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी इसके अलावा MPPT प्योर MPPT बेस चार्ज कंट्रोलर 120 एम्पीयर के साथ ये आ रहा है न्यू LCD फंक्शन डिज़ाइन के साथ है हाई PV इनपुट वोल्टेज रेंज जो कि 120 से 450 वोल्ट आप लोगों को देखने को मिलती है एंटी डस्ट किट इसके साथ है जो कि एक अच्छी चीज़ है बिकॉज अगर आप इसको हार्ड या हार्श इन्वायरमेंट में भी ओपनली इसको लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसको लगा सकते हैं उसके अलावा कन्फर्मल कोटिंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है बैटरी इक्वलाइजेशन की भी देखने को मिलती है उसके अलावा इसके जो बोर्ड है उसके ऊपर कोटिंग भी की गई होगी ताकि जो है नमी वगैरह से बचाया जा सके इसके अलावा जो है कन्फर्मल कोटिंग के बाद डिज़ाइन इंजीनियरिंग ताइवान है बिल्ट इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकर फॉर ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस भी इसमें दी गई है इसके अलावा जो इसके मेन जो हाइलाइटिंग फीचर्स हैं जैसे कि इसके जो आप लोगों को सेंटर्स में एक RGB लाइट भी देखने को मिलेगी जो कि आप अपने मुख्तलिफ फंक्शंस के हवाले से जो है वो अलग आप लोग रख सकते हैं कस्टोमाइज है वो उसके अलावा 600 है ऑन ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट थिंग के ये सोलर इन्वर्टर जो है ऑन ग्रिड मतलब कि सोलर इन्वर्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप लोग ग्रिड फीडिंग करवाना चाह रहे हैं या नेट मीटरिंग के हवाले से भी देखना चाह रहे हैं तो आप लोग इस सोलर इन्वर्टर को काउंट कर सकते हैं बिकॉज इसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन मौजूद है वाईफाई ऑप्शनल है IP21 के साथ है मैक्सिमम आप लोगों को 98% जो है एफिशिएंसी देखने को मिलती है
न्यू एलसीडी डिज़ाइन है और वर्क विदाउट बैटरी, 5 ईयर्स की वारंटी है। 5 ईयर्स की वारंटी में टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होंगी कि प्रोडक्ट वारंटी कितनी है और सर्विस वारंटी आप लोगों को कितनी देखने को मिलती है। चूंकि ये एम सीरीज़ है तो एम सीरीज़ का ये 4 किलोवाट का ज़ियोनिक का 2022 का मॉडल है। अब इसकी जो है हम जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेसिफिकेशंस में मैक्सिमम पे आप लोग कितना लोड इसके साथ चला सकते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो जी व्यूवर्स, दिस इज़ 4 किलोवाट सोलर इन्वर्टर एंड 24 वोल्ट। 24 वोल्ट का मतलब क्या है कि आप लोग इसके साथ अगर बैटरी अटैच करना चाहते हैं तो बैटरी जो है वो आप लोग इसके साथ 24 वोल्ट मतलब कि दो बैटरीज आप लोगों को लगानी पड़ेंगी। मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर 5000 वाट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप लोग इसके साथ जो सोलर कैपेसिटी है वो 5000 वाट्स तक की सोलर कैपेसिटी आप लोग इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और रेटेड आउटपुट पावर जो है मतलब कि जो मैक्सिमम पे आप लोग इसके साथ जो आउटपुट पे लोड चला सकते हैं वो 4000 वाट्स तक का है। अब बात आ जाती है कि 4000 वाट्स तक के लोड में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। 4000 वाट्स तक के लोड में आप लोग बआसानी इसके साथ 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, 7-8 पंखे चला सकते हैं, आयरन चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, इसके अलावा एलईडी टीवी, लाइट्स, फ्रिज चला सकते हैं। मतलब इस तरह का जो लोड है जो अंडर 4000 वाट्स आता है तो वो बआसानी आप लोग इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ग्रिड टाई ऑपरेशन विदाउट बैटरी का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है कि पीवी इनपुट डीसी में आप लोग इसको कितनी देंगे वो भी आप देख रहे होंगे कि 240 वोल्ट डीसी से 500 वोल्ट डीसी। उसके अलावा नॉमिनल डीसी वोल्टेज, मैक्सिमम डीसी वोल्टेज भी इसमें दिया है कि 120 से 180 है। और उसके अलावा जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो इसमें 120 वोल्ट से जो है 450 वोल्ट डीसी है। इस चीज़ को समझ लेते हैं कि 120 वोल्ट तो मिनिमम इसको चाहिए तब जाके इसका एमपीपीटी ऑन होगा और सोलर से जनरेशन स्टार्ट करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका 120 वोल्ट कब पूरे होंगे, मतलब कितने हम सोलर पैनल्स इसके साथ अटैच करें, कौन सी कैपेसिटी के कितने सोलर पैनल अटैच किए जाएँ तो इसके 120 वोल्ट की जो है वो एवरेज पूरी हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल 500 वाट्स के आप लोग पैनल्स लगा रहे हैं इसके साथ। अगर आप 500 वाट्स या 500 प्लस वाट्स के पैनल्स लगा रहे हैं तो 500 वाट का जो पैनल है वो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली कोई 40 वोल्ट्स आप लोगों को देगा। तो 40 वोल्ट्स अगर आप लोगों को देता है तो अगर आप इसके साथ चार पैनल्स भी लगा देते हैं तो ये बनते हैं 160 वोल्ट्स। तो इसकी जो है आप लोग मतलब कि एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है वो पूरी कर लेते हैं। मींस टू से कि अगर आप 500 वोल्ट्स के चार पैनल्स इसके साथ लगाते हैं तो आप लोग इसके साथ सोलर से जनरेशन ले सकते हैं और अपना लोड चला सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ एमपीपीटी जो ट्रैकर्स है मैक्सिमम इनपुट वो एक ही स्ट्रिंग है, मींस के 18 एम्पीयर की है, मतलब कि 18 एम्पीयर तक ये सपोर्टेड है जो पीवी इनपुट करंट की बात की जा रही है। उसके अलावा पावर फैक्टर 1 है। एफिशिएंसी की बात की जाए तो मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी डीसी टू एसी 95% है। उसके अलावा जो आप लोगों को जो देखने को मिलती है एफिशिएंसी, यूरोपियन एफिशिएंसी नॉमिनल 96% है। अच्छा, ऑफ ग्रिड ऑपरेशन विद बैटरी के हवाले से भी एक है इसमें कि ये एक दो चीज़ें हैं इसमें जो मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि ग्रिड टाई ऑपरेशन में आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं लेकिन आप लोगों को इसके जो वोल्टेज हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर आप ऑफ ग्रिड में मतलब कि ऑपरेशन विद बैटरी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वोल्टेज भी आप लोगों के सामने है कि वैसे तो 170-280 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट है ये। और उसके अलावा मैक्सिमम जो एसी इनपुट करंट है वो 60 एम्पीयर तक का है। अच्छा, पीवी इनपुट डीसी जो है 500 वोल्ट तक दे सकते हैं डीसी, और जो ऑपरेटिंग है वो मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि 120 से 450 वोल्ट डीसी है। उसके अलावा दिस इज़ प्योर साइनवेव सोलर इन्वर्टर विद कमिंग पावर फैक्टर 1। अच्छा, उसके अलावा हाइब्रिड ऑपरेशंस भी आप लोग इसके देख रहे होंगे कि पीवी इनपुट डीसी में वही चीज़ जो पहले डिस्कस हो रही थी वही चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा एज सच तो इसमें और जो है बैटरी चार्जर 24 वोल्ट है, डायमेंशंस आप लोग इसकी देख सकते हैं, बैटरी चार्जिंग आप लोग इसकी देख सकते हैं कि आप लोग 60 या 30 एम्पेयर्स जो भी आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी ये 0 to -10 to 50 डिग्री सी जो है ये टेम्परेचर में वर्क करेगा।
ये थी इसकी तमाम तर स्पेसिफिकेशंस। आई थिंक सो कि एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो ज़ियोनिक ने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसकी जो प्राइस के हवाले से जो है, तो इसकी प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कुछ 72,000 या 73,000 के राउंड अबाउट होगी। मैं आप लोगों को मेक श्योर कर दूंगा जब इसकी जो अनबॉक्सिंग होगी, एज सून एज पॉसिबल इसकी अनबॉक्सिंग भी आप लोग मेरे चैनल पे देखेंगे, इसकी हम बिल्ड क्वालिटी भी देखेंगे, इसके अलावा इसके फीचर्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे, कनेक्शंस वगैरह भी देखेंगे, इसकी आउटर लुक वगैरह भी, सब चीज़ मैं आप लोगों को जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो होगी, तो वो मैं आप लोगों को उसमें इसमें दिखाऊंगा। तो ये थी इसकी तमाम दर स्पेसिफिकेशन। 4000 ऑन ऑफ ग्रेड, 120 एम्पीयर चार्ज कंट्रोलर, 5000 वाट सोलर कैपेसिटी, और इसके अलावा बड़े साइज़ के पैनल जो हैं 600 वाट्स प्लस पैनल्स आप लोग इसके साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों का बजट है, तो वो उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप लोग अगर ये परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैंने अप्लाइंसेस आप लोगों को बताई है, ये अप्लाइंसेस जो हैं आप लोग इसके साथ जो है वो बआसानी चला सकते हैं। तो जिन लोगों का बजट है, तो वो लोग इसको काउंट कर सकते हैं, कंपैरिजन भी आप लोग कर सकते हैं बाकी सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से। तो किसी भी सोलर इन्वर्टर को, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो मेरी आप सब लोगों को एडवाइस होती है कि उसकी तीन चार जो, जैसे ही इन्वर्टर लॉन्च होता है, तो तीन चार उसकी प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ के हवाले से, उसकी जो लोड टेस्टिंग के हवाले से, उसके पैरामीटर्स के हवाले से लाजमी जो है आप लोग उसको देख लिया करें, तब आप लोग डिसाइड करें, पूरा एक होमवर्क करें, रिसर्च करें कि फिर आप लोगों को, आप लोगों का लोड कितना है और आप लोगों को सोलर इन्वर्टर कौन सी कंपनी का और कितनी प्राइस में कौन सी कंपनी क्या चीज़ दे रही है, तो आप लोगों को परचेज करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।